नमस्कार मित्रों, आदर्श डेयरी फार्म के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत दिन से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे, नहीं डाल पा रहे थे वीडियो। कारण ये था कि कुछ व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी, परिवार के सारे मेंबर चले गए थे, सारा काम खुद देखना पड़ रहा था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। और आज जो है सभी लोग आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा समय मिला और मैं वीडियो डालने का प्रयास किया। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो गाय, अगर हम 20 प्लस की दो गाय रख लेते हैं तो उससे हम कितना बचा सकते हैं। बहुत से छोटे किसान जो है, माफ़ कीजिएगा, बहुत से ऐसे युवा हैं जो नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सूरत। तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि वो 10-12-15 हज़ार की नौकरी करते हैं और 15 हज़ार में उनका 3-4 हज़ार रुपये मकान का किराया में चला जाता है। उसके बाद अपना फूड का होता है तो 4-5 हज़ार रुपये उसमें, मतलब कुल मिला जुला के 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये उनके अपना खुद का खर्च हो जाता है। और उसके बाद घर परिवार में भेजते हैं, कुछ परिवार का भी, बच्चों का फीस, तो कुल मिला जुला के मंथ के एंड तक उनका कुछ बचता नहीं। तो हम बात करेंगे, अगर वो युवा अगर चाहें तो डेयरी फार्मिंग में आना चाहें तो हम दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये स्वेच्छा से, और अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, एक लगन है, एक जज्बा है, जुनून है कि हमें डेयरी फार्मिंग करनी है, और उससे हम अगर दो गाय रख के, उस प्राइवेट जॉब से अच्छा है कि दो गाय रख के अगर हम अपना उससे अच्छा यहीं कमा सकते हैं, तो वो उनके लिए ये वीडियो एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। और वो चाहे तो इस तरह से दो गाय रख के अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि दो गाय में खर्च कितना आएगा, दो गाय में कमाई कितना होगी, दो गाय में बचत कैसे कर सकते हैं हम। तो मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने एक गाय खरीदी है अभी 3 रोज़ पहले, उसको मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को। मित्रों, मैंने क्रॉस ब्रीड में ये गाय खरीदी है और ये बहुत बड़ी गाय नहीं है, छोटी गाय है। जितना सामान्यतः हम लोग छोटी गायों पर खर्च करते हैं, उतना ही कास्ट इस गाय पर गिर रहा है। और इसके पास ये बछिया दी हुई है और इसके पास 22 लीटर दूध तैयार है, आज के डेट में 22 लीटर दूध तैयार है। अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे का ये वीडियो है सुबह का, ऑर्डर आप लोग देख सकते हैं, शाम तक ये ऑर्डर पूरा। ये क्रॉस ब्रीड की गाय, इसे गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठंड में भी बहुत दिक्कत नहीं होगा, और इसमें 22 लीटर दूध तैयार है। हम 20 लीटर मान के आप लोग को बता रहे हैं, क्या आप 20 ही मानिए। इस तरह की गाय अगर हम दो गाय रख लेते हैं, यानी 10 लीटर दूध इसका मान लेते हैं पर टाइम का, और 10 लीटर इस गाय का, इस तरह की दो गाय अगर हम रखते हैं तो ये दो गाय मिलके एक टाइम में 20 लीटर दूध आराम से कर देगी। और 20 लीटर दूध अगर हम 40 रुपए के रेट से बेचते हैं तो 800 का दूध हम पर डे बेचेंगे। 20 लीटर की कीमत 800 रुपये पर टाइम। ये इसकी बछिया है, जो गाय मैं अभी दिखा रहा था उसकी ये बछिया है। और तो एक टाइम में वो 800 का दूध कर रही है, और पूरे दिन की बात करें तो दो गाय मिलके अगर 10 प्लस की गाय हैं, 10 लीटर ही दूध दे रही हैं, तो दो गाय मिलके आपको 40 लीटर दूध आराम से निकाल देंगी। तो 40 लीटर दूध का कीमत हो गया, 40 के रेट से अगर हम जोड़ते हैं तो 1600 रुपये। और इनके हम कास्ट की बात करते हैं, कितना खर्च इन पे आता है, तो इसको मैं क्या देता हूँ, दो किलो जो है, या तो शीतल का C25 देता हूँ, या फिर एक किसान 8 हज़ार करके आता है पशु आहार, वो देता हूँ। एक किलो जो है शीतल का मिल्क मोर देता हूँ और एक किलो मक्का देता हूँ, यानी इसका फीड जो है 4 किलो पर टाइम का है, 4 किलो मैं इसे खिलाता हूँ रोज़ का, 8 किलो।
4 किलो इसे और 4 किलो इसे, मतलब 8 × 16। दो गाय को हमारा फीड में 16 kg जो है राशन लग रहा है। 100 ग्राम आस्ट्रोवेट कैल्शियम देता हूँ और 50 ग्राम मिनरल पर डे के हिसाब से। तो ये जो 16 किलो जो है, अगर हम कास्ट की बात करते हैं, फीड के कास्ट की बात करते हैं, तो 16 किलो का कीमत हो गया 480 रुपये, और मिनरल और कैल्शियम जोड़ के अगर हम उस पर 20-20 रुपये और ऐड कर देते हैं तो 40 रुपये और ऐड हो जाएंगे दो गाय का, ये हो जाएगा 520 रुपये, यानी 480 और 40, 520 रुपये ये दोनों गाय का पर डे का कास्ट आ रहा है। और दूध कितने की दे रही हैं, 1600 रुपये की, तो हम 600 रुपये जोड़ लेते हैं, तो यानी 1000 रुपये, 100 रुपये और एक्स्ट्रा हम ऐड कर लेते हैं चारे का भी, तो ये 900 रुपये जो है पर डे का, ये दो गाय मिलके, अगर 20 लीटर की गाय हम रखते हैं तो दो गाय मिलके 900 रुपये पर डे बचा देंगी, यानी महीने का हुआ 2700 रुपये, 27000 रुपये, माफ़ कीजिएगा, 900 रुपये पर डे का बचत है। तो महीने का 30 दिन का महीना होता है, 27000 रुपये जो है बचा सकते हैं। और अगर हम बाहर प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो 27000 रुपये कमाने के लिए या तो आपका पोस्ट बहुत अच्छा हो, 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे, दूसरे के अंडर में काम करेंगे, घर से परिवार छोड़ के बाहर जाएंगे आप, तो इस तरह से जो इच्छुक युवा हैं वो चाहें तो दो गाय रख के, 10 लीटर वाली दो गाय रख के खूब आराम से 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का घर पे रहते हुए बचा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार।